गणेश जी की आरती के दौरान जो बिजली कट्टी तो पंडाल दे विच हंगामा हो गया। जी हाँ, दस दिए कि जो पंडाल दे विच गणेश जी की आरती चल रही थी तो अचानक ही लाइट कट्टी जाती है, जिस तो बाद जो पंडाल दे विच जिन्हां दे वल्लों ये गणेश जी की आरती की जा रही थी उन्हां दे वल्लों दब के हंगामा किया गया अते एक शख्स के उत्ते इल्जाम लगाए गए हैं। तो लोगों का कहना है कि जिस शख्स के वल्लों यह कारनामा किया गया वह भी पहला इन्हां दे नाल हुंदा सी, पर किसी गल नूं लैके इन्हां दे विचकार अनबन हो गई तो हुण उसने बिजली विभाग नूं जाके झूठी शिकायत दे दी, जिस तो बाद बिजली विभाग के अधिकारी मौके के उत्ते पहुँचते हैं तो जो पंडाल दे विच लाइट लगी हुंदी है उसनूं कट दिंदे ने। तां दस दिए कि खबर खन्ना तो सामने आई है जिथे कि एक गणेश जी की आरती चलती दे दौरान बिजली कट्टे जाण कारण हंगामा होया ते लोकां दे वल्लों एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो उन्होंने कहना है कि इस शख्स के कारण ही ये लाइट कट्टी गई है, क्योंकि इस दे वल्लों बिजली विभाग के अधिकारियों को गुमराह किया गया, जिस दे कारण बिजली विभाग के अधिकारी मौके के उत्ते पहुँचे और उन्होंने पंडाल की लाइट कट दी। दस दिए कि 11 साल तो इस पार्क के गणपति उत्सव मनाया जाता है, तो बीते दिन जदों इत्थे आरती चल रही थी तो अचानक ही लाइट कट्टे जाने बाद भी हंगामा हो गया, तो खन्ना तो यह मामला सामने आया। सारे शहर में लाइट दी हुई है, गणपति की पूजा जी सिर्फ 7 दिन की गल सी, वह दूसरे मतलब धर्म को एवं करना नहीं चाहिए, सारे धर्म की बेइज्जती करता है, सारे मोहल्ले च लाइट चलती पी है, एवं करना एवं मतलब इसे दा कर ले आरती कर रहे थे, लाइट गई सर पता लगे लाइट कटी, फिर अभी बाहर आए सारे बच्चे सारे बाहर गए गौरवमैन ने शिकायत की है। दूजे महले चो आके मेरा नाम मजीत कुमार है जी, कटिका महल का रहने वाला, ये गौरव मैनरों ने किसी के मगर लग के कोई गलबात महल्ले की होगी या रब जाने की है सानू नहीं पता, वो पहला साढ़े नाल जाता सी गणपति महोत्सव अज तो 2 साल पहला, वो इस बारी साढ़े नाल नहीं है, उन्हें खुंदकबाजी के आके साढ़े पंडाल की लाइट कटवाई है जी, वीडियो बना बना ग्रुप च पाता तो गलत लिखता कि सनातनी चोर ने, तो हुण जो असी रिप्लाई दिता धरना ला के उन्हें ग्रुप रिमूव मारता जी, जब हुण अपनी बारी आई पिछे हट गया जी, हुण असीं यही बेनती करते हैं जिद्दां लाइट कट्टी है उद्दां ही लाइट ला के जाण, चलदी पूजा कट्टी है लाइट आरती चलदी उहदी, असीं उन्नां तक बच्चों ने नहीं हिलना, उरे सारे बच्चे छोटे छोटे लगे हुए हैं, 11 साल हो गए उरे कम चलदे नूं जी, इन्ने धूमधाम नाल मनाया जांदा सारे महल्ले, किसी कोई इतराज नहीं गा जी, सिर्फ वो दूजे महल्ले चो आके आह महल्ले जाके उन्हें गंद पाया जी, हाल असीं सरकार नूं यही बेनती करते जी, वह बंदा कौन हुंदा जी ला के उपर फोन करन वाला, साडी सरकार नूं यही बेनती है, सानूं बेनती यही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी गिनी साढ़े एम सी साहब ने गिनी भी जी फोन मारे जी, वो कहते मैं बाहर है मैं करता जी, हल हरीश गुप्ता जी ने भी फोन मारे जी, ठीक है जी, वो कहते असं आने जी कोई गल नहीं, जेडे गणपति मेन के अहदेदार राज मैनरो जी ने उन्होंने भी फोन किया जी, वह भी कहते कोई गल नहीं देखते हैं जी, असी रोड तो कसूर तो देखो किसी का भी नहीं होंगे जी, पर जी हम बेअदबी करके गए अभी दसो जी नेरे च किमें करिए जी, जो हम गणपति जी ने अंदर जाके देखो जी एक बार फिर पता चलूगा जी, जिदी देन असी उरे बैठे आपा उदी ओ बेइज्जती कर रहे हैं जी, दसो साडा रोड जाम करन दा कारण ही यही है, साडा कारण ही साडी मंग इह है जी, जिदा पंडाल पहला चेक किया जाए, पहला कल दा तुहानू दिखावां किन्ना वधिया रौनक मेला लग्गिया सी, अज किन्ना सुन्नमसान करके गया ओ गौरव मैनर इक बंदा, ते इह साडे धर्म दी बेइज्जती करके गया, बेइज्जती करके गया ओ दूजे महल्ले दा बंदा जी, इत्थे ओहदा की लेना देना जी, ओहनू बुलाया जावे उरे माफी मंगाई जावे ओह तों, जिन्ने भी सारे बच्चे ने वो बेद भी करके गया गणपति महाराज जी की, सानू और कुछ नहीं, असी उन्हें चौंक नहीं हटाना और बात जाम। नाम क्या है? नाम मेरा नाम पंडित प्रवीण शुक्ला है जी। क्या घटना हुई है दसो, कहते क्या घटना? हम लोग आरती पूजा कर रहे थे भगवान जी की और आकर के लाइट काट दिया, ये हमारे धर्म के बेइज्जती है, नाले हम लोग भगवान मोहल्ले वाले साले मिल के इतने मेहनत करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो
दूसरी बात सरकार की ही अपनी जिम्मेवारी, हमको फैसिलिटी देनी चाहिए और फैसिलिटी देने की बजाय हमारी लाइट कार्ड दी जा रही है। गौरव मैनरो करके कोई बता रहे हैं, उन्होंने कंप्लेंट किया, वीडियो बना करके डाला था। आपने परमिशन ली प्रशासन से, कोई ली है? अभी ये लोग तो कहते हैं हमने लिया हुआ है परमिशन, बाकी धार्मिक काम है, सबका काम है। अगर ये सारे मोहल्ले वाले बिजली का बिल पे करते हैं, अगर 10 दिन भगवान के नाम पे चला भी लेते हैं, तो कौन सा जुर्म है, कौन सा हमने गलत काम किया, हमने कौन सा पर्सनल यूज के लिए लिया है? कितने लोग चोरी से लाइट जला रहे हैं, उनके घर की जांच क्यों नहीं हो रही, उनके यहाँ क्यों नहीं? हमारी ये धार्मिक काम की जाँच क्यों हुई नहीं? ये मोहल्ले का काम है, अपने शहर का काम है, कोई गलत हम लोग कोई सर वो चोर नहीं है, कोई गलत नहीं करते हैं। अगर लाइट जला भी रहे हैं सरकार, हम भी हमारे टैक्स से सरकार चलती है, हमारे टैक्स से ये बिजली का बिल सब लोग पे करते हैं, तब ये बिजली विभाग चलता है। प्रोग्राम चल रहा था अभी, हाँ जी, अभी हमारे आरती भजन चल रही थी, तभी आके उन्होंने बीच में काट दिया। हाँ जी जी, आते आराम नाल गल करते बात करते, लेकिन आके सीधा डायरेक्ट लाइट। हाँ जी, हम मांग ये करते हैं कि हमारी लाइट चालू किया जाए, हमारे इस प्रोग्राम को हम मोदी जी से बनाया जाए। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे धर्म को बताइए आप लोग, ये जो ये सरकार के बंदे आते हैं और लाइट काट के चले जाते हैं, हमारे धर्म में हम लोग वैसे भी शांतिप्रिय लोग हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा या दंगा, हम लोग सनातनी हैं, शांतिप्रिय, भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ये आजकल के बच्चे नशे ये सब उन चीज़ों में उलझे हुए हैं, भगवान के भक्ति में हम ले आ रहे हैं सबको, पूजा पाठ अच्छे रास्ते में ले, कम से कम आप हमारी लाइट काट दोगे तो हम पूजा कैसे करेंगे, आरती कैसे करेंगे अंधेरे में? आप देख लीजिए सारा पूरा एकदम लाइट ऑफ हो गई है। और मामला यह है, अपने श्री गणेश महाउत्सव चल रहा है खटीका चौंक के नेड़े पार्क के, हर साल शरदा नाल मनाया जाता, 7 तरीक तो लैके 17 तक। तो अपने गौरव महेंद्रो नाम का व्यक्ति है, शरारती बंदा आया, तो उन्हें जी कमेटी मैंबर नाल मिसबिहेव किया, तो जी श्री गणेश जी मूर्ति बारे अपशब्द बोले ने, जिसके खिलाफ़ परचा दर्ज किया गया, वो घर पर रेड की, घर ने मेरे टिकाने भी रेड की, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाऊगा। तफ्तीश दौरान जो भी गल सामने आएगी उस हिसाब से देखेंगे, फिलहाल साढ़े ध्यान च कोई गलबात नहीं आएगी। एक ही दोषी है, गौरव महेंद्रो नाम का बंदा, साडा पहना भी थाने का बीसी है, उन्होंने अरेस्ट कर लेंगे जल्दी।